नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, आज हम धनतेरस जो महापर्व है, जो 5 दिवस का दिवाली पर्व आता है, उसके बारे में जानते हैं। धनतेरस कब है, 12 या 13 नवंबर 2020 में कब है, इस बारे में जानते हैं। इस बार भगवान धन्वंतरी जी के पूजन का पर्व धनतेरस 12 व 13 नवंबर को 2 दिन मनाया जाएगा। पर्व को 2 दिन मनाए जाने के पीछे विद्वानों के अलग अलग तर्क हैं। हालांकि अधिकांश विद्वान 13 नवंबर को धनतेरस मनाना शास्त्र सम्मत बता रहे हैं। 12 के पक्ष में सहमत विद्वानों का कहना है कि 12 को द्वादशी तिथि शाम 9:33 तक रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि लगेगी। त्रयोदशी तिथि जो है 12 को प्रदोष काल में त्रयोदशी रहने से इस दिन ही धनतेरस मनाया जाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं। यानी रात्रि में ये जो है त्रयोदशी तिथि है, बोल रहे हैं 12 को। लेकिन इधर 13 नवंबर को धनतेरस मानने वाले विद्वानों का कहना है कि त्रयोदशी तिथि 12 को रात 9:33 शुरू होगी और 13 नवंबर को शाम 5:59 तक रहेगी। तो 13 तारीख को त्रयोदशी, उदया और प्रदोष काल दोनों समय रहेगा इस प्रकार से। यानी सूर्योदय के समय और प्रदोष काल के समय, यानी शाम के समय भी अगर हम देख रहे हैं नियम, तो इस प्रकार से 13 तारीख को धनतेरस मनाई जानी चाहिए। इसके अलावा 13 को धनतेरस मनाया जाता है तो 5 दिन का जो दिवाली है, इस बार 4 दिन की ही हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं और कुछ बातों पर हम चर्चा करते हैं वीडियो के माध्यम से। धनतेरस में हम जानते हैं कि किनकी पूजा करें और क्यों करें, इस बारे में इस संदर्भ में आप जानते हैं। समुद्र मंथन के दौरान जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, वो धन्वंतरी देवता ही थे। जिस दिन वो समुद्र से निकले, उस दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि थी, इसलिए हर साल इस दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है। इसी कारण त्रयोदशी तिथि को धनतेरस कहा जाने लगा। धन्वंतरी देवता को चिकित्सा का देवता भी कहा गया है। धनतेरस के दिन धातु से बनी चीज़ें खरीदना बेहद शुभ माना गया है। इस दिन नए बर्तन खरीदने से 13 गुना वृद्धि होती है, इसलिए इस दिन धन्वंतरी देवता के पूजा के लिए हम देखते हैं कि उत्तर दिशा की ओर मुख करके 13 दिया भी जलाया जाता है। और इस दिन खरीदारी का विशेष क्रेज है। इस दिन चांदी खरीदना विशेष शुभ माना गया है, इसीलिए इस दिन चांदी की लक्ष्मी और गणेश की मूर्ति लोग खरीद करके इसी दिन लाते हैं। धनतेरस के दिन घर के आंगन व मुख्य द्वार पर दिया जलाने का भी रिवाज है। मैंने बताया कि 13 संख्या में दिया जलाना चाहिए उत्तर की ओर मुख करके, इससे घर में सुख समृद्धि व खुशहाली बनी रहती है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी जी की भी पूजा की जाती है और भगवान धन्वंतरी जी से लोग अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और कहा भी गया है कि माता लक्ष्मी जी के साथ इनकी पूजा की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। अब बोला गया कि कार्तिक माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन धन त्रयोदशी या धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है। इस दिन कुछ लोग नया खरीदने की परंपरा है। खास तौर पर इस दिन पीतल या चांदी के बर्तन खरीदना विशेष शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस दिन खरीदी की जाने वाली चीज़ें धन समृद्धि को बहुत बढ़ाती है, इसीलिए धनतेरस के दिन आप कुछ ना कुछ खरीद करके अवश्य लाए। क्या नहीं खरीदना है, इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। धनतेरस पर खास संयोग है, इस बार धनतेरस का त्यौहार इसलिए खास है क्योंकि इस दिन बहुत अच्छे अच्छे योग बन रहे हैं। अच्छे नक्षत्र मिलते हैं तो अच्छा योग बनता ही है। तो बोल रहे हैं कि धनतेरस के दिन विशेष रूप से जो भी खरीदारी करता है, उसका महत्व विशेष रूप से अच्छे मुहूर्तों में दोगुना हो जाता है। आइए जानते हैं कि माँ लक्ष्मी और धनतेरस जो है, इस पर्व में कैसे हमको क्या खरीदना है। तो 13 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन अगर हम मना रहे हैं, तो शुक्रवार तो माता लक्ष्मी का ही दिन है, हम सभी जानते हैं। तो इस दिन खरीदारी करना विशेष शुभ होगा और लोगों पर माँ लक्ष्मी जी की कृपा रहेगी। इस प्रकार से धनतेरस के दिन हनुमान जयंती भी पड़ने के कारण इस दिन का महत्व और बढ़ गया है। धनतेरस के दिन 2 विशेष योग बन रहे हैं, पहला चित्रा नक्षत्र और आयुष्मान योग बन रहा है। इस प्रकार आयुष्मान योग में भगवान धन्वंतरी जी की पूजा करना विशेष लाभकारी रहेगा, फलदायी रहेगा। इस प्रकार इस बार 13 धनतेरस पर मृदु और मित्र संज्ञक नक्षत्र का योग बन रहा है। इस नक्षत्र में सोना चांदी बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ रहेगा।
भगवान विष्णु का रूप है धन्वंतरी। धन्वंतरी को भगवान विष्णु जी का ही एक रूप माना गया है। कहा जाता है कि धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत से भरे हुए कलश को लेकर प्रकट हुए, तभी से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा प्रारंभ हुई। कुछ ना हो तो छोटा सा एक बर्तन खरीद लीजिए। दीपक खरीदना होता है शुभ। लोहे को शनि का कारक माना जाता है, इसलिए धनतेरस के दिन लोहा कभी नहीं खरीदे, लेकिन दीपक जरूर खरीदे। कुछ ना हो तो मिट्टी का बर्तन ही खरीद ले या फिर झाड़ू खरीदना बहुत शुभ माना गया। क्या क्या और विशेष शुभ है इसको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। वहीं सोने चांदी और बर्तन के अलावा मिट्टी के दीपक जो मैंने बताया उसको खरीदना विशेष शुभ रहता ही रहता है। अब आगे चलते हैं धनतेरस के मुहूर्त पे। 13 नवंबर 2020 के दिन धनतेरस अगर हम देख रहे हैं तो इस दिन वृश्चिक लग्न जो स्थिर लग्न है वो प्रातः 6:29 से 8:44 तक सुबह में रहेगा। उसके बाद दोपहर में कुंभ लग्न है 12:38 से 2:12 तक। फिर वृषभ लग्न जो है शाम को 5:26 से 7:25 तक। उसके बाद अगर हम चौघड़िया देख रहे हैं तो लाभ और अमृत की चौघड़िया सुबह 7:38 से सुबह के 10:24 तक रहेगा। शुभ चौघड़िया है दोपहर 12 से 1:30 तक रहेगा। लाभ की चौघड़िया है वो रात्रि 9 से 10:30 तक रहेगा। इस प्रकार से धनतेरस की अगर हम पूजा विधि देखें तो 13 तारीख के दिन हमको विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी और धन के देवता कुबेर की पूजन को धनतेरस के रूप में हम जानते ही जानते हैं। कुबेर को हम विशेष रूप से देखते हैं कि माता लक्ष्मी जी के विशेष रूप से अनुग्रह के रूप में है। शिव जी की पूजा में भी कुबेर जी की पूजा की जाती है क्योंकि वो विशेष रूप से धन वैभव आदि के कारक माने गए हैं। तो इस प्रकार से विधि विधान से पूजन कर आरोग्यता की कामना करके जीवन में सुख समृद्धि का आह्वान कर सकते हैं। हमको चौकी में विशेष रूप से एक लाल कपड़ा बिछा लेना है। भगवान गणेश जी के दाहिने हाथ में धनाध्यक्ष कुबेर जी का धन्वंतरी जी की प्रतिमा या चित्र या प्रतीक रूप में कुछ सुपाड़ी अवश्य रख ले, एक एक सुपाड़ी इनके नाम से रख ले और अष्टदल चंदन से बनाना है। और उस दिन जो द्रव्य यानी चांदी के सिक्के आदि रुपये को स्थापित कर पूजन हमको विशेष रूप से करना चाहिए। आप बोले कि ये सब तो करें लेकिन इसमें हमारा मुख तो हम जान ही रहे हैं कि पूर्व मुख या उत्तर मुख होना चाहिए। विशेष रूप से आचमन करना है, हाथ में जल लेकर के अपने ऊपर छिड़कना है, प्राणायाम करना है और सामग्री में जल छिड़कने के बाद जल चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य आदि सभी चीज़ों को करना है, संकल्प आदि करना है। इस पर एक वीडियो जरूर आने वाला है, उसको आप लोग देख लेंगे। और साथ ही साथ जो लिखा हुआ है कि अपने प्रतिष्ठान में जो भी विशेष चीज़ें हैं वहाँ पे स्वास्तिक चिन्ह और विशेष करके शुभ लाभ सिंदूर से अवश्य लिखना चाहिए। द्रव्य और लक्ष्मी पूजन करते समय कुबेर जी का अवश्य आवाहन करें। कोई प्रकार का अगर हमको कष्ट पीड़ा है तो हमको 13 नवंबर के ही दिन विशेष रूप से नरक चौदस का भी इस दिन प्रभाव पड़ रहा है तो अकाल मृत्यु भय के लिए वैसे तो 13 तो दीपदान अलग करें ही, उसके बाद चतुर्दशी का भी दीपदान हमको रात में अवश्य कर लेना चाहिए क्योंकि अगले दिन दिवाली का प्रभाव है। तो इस बारे में हम और एक वीडियो में जानेंगे कि नरक चौदस और दिवाली का पूजा कैसे करना है। पर इस वीडियो में आप ये समझ जाइए कि हमको विशेष रूप से चार बत्ती यानी चारों दिशाओं के अलग अलग बत्ती को जला करके हर दिशा के लिए एक एक दीप जरूर जला लेना है और उस संबंध में हमको चौमुखी दिया अवश्य जला लेना है। तो मित्रों ये वीडियो कैसा लगा, साथ ही साथ इन मुहूर्त में आप विशेष करके बहुत अच्छे से खरीदारी करें। आपके घर में धनाध्यक्ष जो है धन्वंतरी जी है कुबेर जी है इन सभी का और आरोग्यता आप सभी के जीवन में विशेष रूप से बनी रहे, आशीर्वाद बना रहे। इन्हीं सभी मंगल कामनाओं के साथ मैं आचार्य तरुण शर्मा विदा लेता हूँ। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय सियाराम।